मध्य प्रदेश में इस समय आदिवासियों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, जिसकी वजह है दो दिन पहले दो आदिवासियों की गौ मांस के शक में पीट पीट कर उनकी जान ले ली गई। उन्हें बड़ी ही निर्मम तरीके से मारा गया, जिसके बाद उनकी जान चली गई। ये घटना सिवनी जिले की है। अब एक और जहां बीजेपी आदिवासियों के कल्याण की बात करती है, तो वहीं कांग्रेस खुले तौर पर बीजेपी के शासनकाल में आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप लगा रही है। वारदात के बाद से ये मामला सियासी गलियारों में खूब चल रहा है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जनजाति वर्ग पर बढ़ते अत्याचारों को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि शिवराज आपकी सरकार आने वाले चुनावों को देखते हुए पिछले कुछ वक्त से जनजातीय वर्ग को लुभाने के लिए काम कर रही है, जैसे महापुरुषों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करना, भव्य आयोजन करना, इवेंट करना, खुद को इस वर्ग का सच्चा हितेशी साबित करना। लेकिन इससे बेहतर है कि इन इवेंटों आयोजनों के बजाय आप अगर जनजातीय वर्ग को उनका पूरा सम्मान और सुरक्षा प्रदान करें। कमलनाथ ने आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कहा है कि आपकी सरकार में आदिवासी वर्ग आज भी सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। इनके साथ प्रदेश में दमन और उत्पीड़न की घटनाएं हर रोज घट रही हैं। इनको इंसाफ दीजिए, इनको सुरक्षा प्रदान कीजिए। तो वहीं आदिवासी वर्ग आज दिखावे के आयोजन की बजाय खुद की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। उन्हें देखिए कि उनके साथ उन पर क्या बीत रही है, किस तरह से उनकी जान ली जा रही है, किस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इससे पहले भी प्रदेश के कई हिस्सों में जनजातीय वर्ग के साथ दमन और प्रताड़ना की घटनाएं देखी गई हैं। अब इसके बाद कमलनाथ ने मुख्यमंत्री से ये भी सवाल किया है कि सिवनी की घटना के कुछ आरोपियों को बचाने की भी कोशिश हो रही है, ऐसी शिकायतें हमें लगातार मिल रही हैं। अब आरोपियों पर आखिर आपका बुलडोजर कब चलेगा? कमलनाथ ने ये सवाल किया है कि जैसे आपने खरगोन में आरोपियों पर बुलडोजर चलाया, तो ऐसे में इन आरोपियों को आप क्या सजा देंगे? इन आरोपियों के घर पर कब बुलडोजर चलेगा? कमलनाथ ने पीड़ित परिवारों को सुरक्षा और उन्हें आर्थिक सहायता दिए जाने की भी मांग की है, और साथ ही ये भी कहा है कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए और इस पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए और दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस मामले की हर अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जनहित आवाज़।